हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। एनवायरमेंटल साइंस में आज की स्लाइड में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एयर पोल्यूशन। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग डेफिनेशन ऑफ एयर पोल्यूशन एंड व्हाट आर द मेन कॉजेज। ठीक है, कौन कौन से ऐसे मेन फैक्टर्स हैं जो एयर को पोल्यूट करते हैं, कौन कौन से ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं जो हमारी एयर में मिक्सअप होके हमारी एयर को पोल्यूट कर देते हैं और एक हार्मफुल इफेक्ट हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे डालते हैं, तो ये हम पूरे इस स्लाइड में कवर करेंगे। सो लेट्स कवर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन है क्या? एयर पोल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक केमिकल और कंपाउंड इंक्लूडिंग दोज ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन इन द एयर। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे जो एयर में मिक्सअप होके उसको पोल्यूट कर देते हैं और जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट हो डालते हैं। ठीक है, सो इन एन इवन ब्रॉडर सेंस एयर पोल्यूशन मींस द प्रेजेंस ऑफ केमिकल और कंपाउंड इन एयर विच आर यूजली नॉट प्रेजेंट एंड विच लोअर द क्वालिटी ऑफ एयर और कॉज डिटर्मिनेंटल चेंज इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ सच एज डैमेजिंग द ओजोन लेयर और कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, इसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे भी टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं जो ओजोन लेयर पे भी एक हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, जैसे कि बात करूँ मैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन की, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जो गैस होती है इसका जो मेजर सोर्स होता है वो एसी रेफ्रिजरेटर से निकलता है। ठीक है, तो ये गैस क्या है, एयर में मिलके एयर को पोल्यूट करती है और जैसे जैसे ये हमारी ओजोन लेयर पे इफ़ेक्ट डालती है और ओजोन लेयर को क्या है उसको थिनी बना रही है, उसको कमज़ोर बना रही है। और जैसे कि हम जानते हैं ओजोन लेयर एक ब्लैंकेट का काम करती है हमारे लिए, जो भी सन से जो अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं उसको ऑब्ज़र्व करके हार्मफुल इफेक्ट को, हार्मफुल रेज को अर्थ पे आने से रोकती है। ठीक है, तो जितने भी ये टॉक्सिक केमिकल्स कंपाउंड्स होते हैं ये हमारे एयर में मिलके एयर को पोल्यूट कर देते हैं, इसी को एयर पोल्यूशन कहते हैं। पोल्यूशन कॉजेज, पोल्यूशन के कॉजेज कौन कौन से होते हैं? एयर पोल्यूशन इज़ प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि जो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो एयर पे डिपेंड करता है, एयर में जो ऑक्सीजन होती है उसको हम ऑब्जर्व मतलब कि रिसीव करते हैं और उससे हम ब्रीथिंग करते हैं, उससे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रोसीड होता है। और सोचिए अगर एयर पोल्यूट हो जाएगी तो इससे उसका एक हार्मफुल इफेक्ट हमारी हेल्थ पे भी पड़ेगा। ठीक है, हम अपनी जो भी हम ब्रीथिंग करते हैं ब्रीथिंग के साथ उन हार्मफुल गैसेस के टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स को भी रिसीव कर लेंगे जो हमारे एयर हमारी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट डालेंगे। सो अगर मैं एयर पोल्यूशन की बात करूं और कॉजेज़ की बात करूं तो इट इज़ कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। जैसे कि हम क्या करते हैं, हम डे टू डे लाइफ में हम जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं उसका भी एक इफ़ेक्ट हमारे आसपास के एरिया एटमॉस्फेयर और एयर पे पड़ता है। ठीक है, एक एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। इसी के साथ साथ मैं बात करूं अगर मैक्रो लेवल्स पे, जैसे कि माइनिंग है, अगर माइनिंग की जा रही है तो इससे भी एयर पे हमारे इफ़ेक्ट पड़ता है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियल वर्क चल रहा है, एग्रीकल्चर वर्क चल रहा है, तो ये सारे क्या कॉज हैं जो एयर को पोल्यूट करते हैं। नेचुरल कॉजेज भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शंस हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, वाइल्ड फायर्स हो गई। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े जंगल्स होते हैं, फॉरेस्ट, तो उनमें क्या है नेचुरल कैलेमिटीज़ कॉजेस की वजह से फायर लग जाती है, तो एक बहुत बड़े लेवल पे वहाँ का जो एयर है, एटमॉस्फेयर है, वो पोल्यूट हो जाता है, स्मोक पूरी स्प्रेड हो जाती है जिससे पूरा फॉरेस्ट के फॉरेस्ट ख़त्म हो जाते हैं। सो अनलाइक ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट आर यूबिक्यूटियस कॉज ऑफ द एयर पोल्यूशन एंड कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल पोल्यूशन ऑफ द एयर एवरी सिंगल डे, मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन, अ लार्ज नंबर ऑफ कॉन्टैमिनेंट्स मे पोल्यूट द एयर इन लार्ज वेराइटी ऑफ फॉर्म्स, ऑलमोस्ट एनी टॉक्सिक केमिकल कुड मेक इट वे इन टू द एटमोसफेयर टू पोल्यूट द एयर दैट वी ब्रीथ
एरोसोल पार्टिकल्स क्लाउड ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड पार्टिकल्स इन अ गैस दैट आर फाउंड इन द एयर मे ऑल्सो कंटेन पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे पॉल्यूटेंट्स जैसे कि एरोसोल पार्टिकल्स हैं या फिर अदर केमिकल टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं, वो भी क्या है, एयर को पॉल्यूट करते हैं। द केमिकल कंपाउंड दैट लोअर द एयर क्वालिटी, वो एयर की क्वालिटी को लो कर देते हैं, यूजली रेफर्ड एज द एयर पॉल्यूटेंट्स। दीज कंपाउंड्स मे बी फाउंड इन द एयर टू मेजर फॉर्म, या तो ये गैस की फॉर्म में होते हैं या फिर सॉलिड की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, सल्फर ऑक्साइड टॉक्सिक गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय द वॉल्केनिक एक्टिविटी, जैसे कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस है बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, आप इनको जलाइए तो उनसे यूज क्वांटिटी में आपको सल्फर ऑक्साइड मिलेगा। अगर कोई इंडस्ट्रियल प्रोसेस हो रहा है या कोई वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है या फिर आपने कोई फॉसिल फ्यूल बर्न किया है। कार्बन मोनो ऑक्साइड एक्सट्रीमली टॉक्सिक प्रोड्यूस बाय द इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ द व्हीकल एग्जॉस्ट, तो वहाँ से कार्बन मोनो ऑक्साइड निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड नॉट टॉक्सिक बट मे डिसलोकेट ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस डेथ थ्रू एग्जिशंस। एडिशनली इट इज़ ग्रीन हाउस गैस एमिटेड बाय द कम्बशन प्रोसेस माइक्रोबायल एक्टिविटी प्लांट रेस्पिरेशन। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड टॉक्सिक एंड कैरिसोनिजेनिक जनरेटेड थ्रू मैनी ह्यूमन एक्टिविटी सच एज इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड वेस्ट डिस्पोजल। पर्टिकुलेट मैटर ऑफ वॉल्केनोज एंड वाइल्ड फायर्स ऑल्सो प्रोड्यूस बाय द फॉसिल फ्यूल माइनिंग एंड फाउंड्रीज एट्सेट्रा। एचजी इन गैसियस फॉर्म रिजल्ट फ्रॉम द इंडस्ट्रियल प्रोसेस माइनिंग फाउंड्री एक्टिविटीज एंड अदर प्रोसेस। रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स प्रोड्यूस थ्रू द रेडियो एक्टिव डिके एंड द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन एमोनिया। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। इन मोस्ट ऑफ केसेज एयर पॉल्यूटेंट कैन बी सीन और स्मेल। ठीक है, हम उसको देख भी कर सकते हैं, उनको स्मेल भी कर सकते हैं। However, that does not mean that they do not exist in the high enough an amount to be health hazard. Additionally, a number of gases are linked to the so-called greenhouse effect, which means that those gases retain more heat and contribute to overall global warming. The most common example of greenhouse gas is carbon dioxide, which is emitted from the many industrial processes. नेचुरल वॉल्केनिक एक्टिविटी बहुत सारी होती हैं जिससे हमारी एयर पॉल्यूट होती है। विंड है, एयर करंट, वाइल्ड फायर हो रही है, माइक्रोबियल डिकेइंग प्रोसेस हो रहा है, रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस, इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ओके, सो दिस स्लाइड इज कवर इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ। अगर हम ह्यूमन बींग की बात करें तो उनकी हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ता है एयर पॉल्यूशन का। Air pollution has serious effect on the human health depending on the level of exposure and the type of the pollutant inhaled. These effects can vary ranging from the simple symptom like coughing, irritations, respiratory tract to the acute condition like asthma and the chronic lung disease. ठीक है, तो ये सब disease होने के chances बहुत ज़्यादा रहते हैं अगर कोई भी ऐसा area है जहाँ air pollution बहुत ज़्यादा है। ठीक है, या फिर स्किन प्रॉब्लम्स एंड इरिटेशंस कैन डेवलप ड्यू टू द प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू द सेवरल एयर पॉल्यूटेंट्स। वैरायटी ऑफ कैंसर फॉर्म मे बी डेवलप आफ्टर द इनहेलिंग एयर कॉन्टेमिनेट्स। एयर पॉल्यूटेंट्स दैट हैव सीरियस नेगेटिव इफेक्ट ऑन द ह्यूमन हेल्थ कैन बी क्लासिफाइड एज टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट टाइप्स विच कॉज एयर पोल्यूशन। ठीक है, मोस्टली अगर मैं बात करूँ एयर पोल्यूशन की तो आज के टाइम में हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जैसे कि ये हम बात नहीं है कि भाई अगर कोई भी कंट्री अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना चाहती है तो वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, हाईली पॉपुलेटेड कंट्री की रिक्वायरमेंट होती है एम्प्लॉयमेंट के लिए कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन से होने वाले जो एयर पोल्यूशन है उसको भी हमें ध्यान में रखना है। ठीक है,
सो ड्यू टू दिस पर्पज़ गवर्नमेंट हैज़ इम्पोज सर्टेन प्रोविज़न अंडर फैक्ट्रीज एक्ट एंड द कंपनीज एक्ट. ओके, ऑन द ये प्रोविजन्स फैक्ट्री पे लगाए गए हैं और अकॉर्डिंग टू दैट दे हैव टू रन देयर फैक्ट्रीज. एम्प्लॉयर हैं, ऑक्यूपायर हैं, तो उसी हिसाब से वो अपनी फैक्ट्री को रन करते हैं. लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि भाई प्रॉपर इंस्टॉलेशन मशीन्स का नहीं हुआ है, जिससे एयर बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो गई वहाँ की आसपास की, ठीक है, या फिर वेस्टेज बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है जो बिना ट्रीट करे ड्रेन किया जा रहा है. तो इन सभी फैक्टर्स को हमें ध्यान में रखना है, तभी हम अपने एयर को पॉल्यूट कर सकते हैं. सो एयर पॉल्यूशन इज़ प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, ठीक है, कन्फ्रॉन्टिंग अवर सिविलाइजेशन टूडे. इट इज़ कॉज्ड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज. अगर मैं अपने डे टू डे लाइफ की बात करूँ तो हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसे इफ़ेक्ट डालते हैं जिसका इफ़ेक्ट हमारे एनवायरमेंट पे पड़ता है. ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर टुडे सेशन. आज की स्लाइड में बस इतना ही, जिसमें हमने एयर पोल्यूशन के बारे में डिस्कशन किया. अब इसी के साथ आज की स्लाइड को हम कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में हम फिर एयर पोल्यूशन के नेक्स्ट सब टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. तो ये सारे पॉल्यूटेंट्स हैं, इनको आप ध्यान में रखिए. सबसे बड़ा जो इफ़ेक्ट पड़ता है एयर पॉल्यूशन का, वो हमारे ह्यूमन हेल्थ पे पड़ता है, प्लस ओजोन लेयर पे पड़ता है. ठीक है, ओजोन लेयर जैसे कि हम जानते हैं स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में एग्जिस्ट करती है. ठीक है, ओजोन लेयर आज के टाइम में थिन होती जा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस. ठीक है, एयर में बहुत सारी ऐसी गैसेस मिल जाती हैं जो ओजोन के साथ रिएक्ट करके ओजोन की जो क्वांटिटी है उसको रिड्यूस कर देती हैं. ठीक है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. क्लोरोफ्लोरोकार्बन मेजर कॉज है ओजोन लेयर को डेप्लेट करने के लिए. ठीक है, अर्थ पे बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक्सेस क्वांटिटी में रिलीज़ होती है और वो एयर में मिक्सअप होके स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंच जाती है, और स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन लेयर है उसको उस पर एक एडवर्स इफ़ेक्ट डालती है. तो हमें इसको ही प्रिवेंट करना है, इस तरीके की प्रैक्टिस को ही रोकना है. ओके, थैंक यू वेरी मच.